तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये हमने एक एक्सेल आई ली पिछले दिनों 2004 मॉडल। इसकी आप बॉडी कंडीशन देख सकते हैं, इसका पेंट बहुत ज़्यादा डल हो चुका था, इंटीरियर डैमेज था बहुत ज़्यादा, गाड़ी शदीद गंदी थी, मैकेनिकली अच्छी थी, इंजन वाइज ठीक थी, कोई 196,000 के राउंड चली हुई थी 2004 होने के बावजूद। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको थोड़ा सा मेनटेन करेंगे, इसकी कोई लुक्स चेंज करेंगे, तो जितने पैसे हम खर्च कर सके हमने किया। तो ये भी हमने इसके लाइट्स वगैरह खोल ली, लाइट्स बहुत ज़्यादा गंदी थी, इंजन की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस वगैरह करवाई, ट्यूनिंग शूनिंग करवाई, गाड़ी का रूम आप देख सकते हैं कितना गंदा है, लेकिन हमने इसको भी मेंटेन करवाना है। गाड़ी के डोर कार्ड्स वगैरह सारे उतरे हुए हैं, तो अभी हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखी हुई थी, गाड़ी की कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे, तो ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी चली हुई गाड़ी। इसके बाद हमने इसके डोर हिंजिस वगैरह करवाने थे, क्योंकि डोर बहुत ज़्यादा उनमें प्ले थी, गाड़ी चलते हुए झटकों में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी, तो हम ये डोर हिंजिस खोल रहे थे। ये खुलवाने के लिए, ये खोलने के बाद हमने इसको खरादी के पास लेके आना था, क्योंकि वो इसकी डोर पिन्स जो है ना चेंज कर देता है, तो जो लोग जानते हैं इन कामों को वो उनको समझ सकते हैं कि ये क्या मैं करवाना चाह रहा हूँ। तो ये अभी हम डोर हिंजिस खोल के, अब ये आपका भाई गाड़ी जो है बगैर उसके जो है ना लेके जा रहा है पेंटर के पास, क्योंकि इसके बम्पर का एक तो पेंट होना था, दूसरा गाड़ी कंपाउंड सारी होनी थी। असल में मैंने सोचा कि डोर हिंजिस हमने खोल के दे दिए थे खरादिए को, तो मैंने सोचा यार टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए फिर मैंने जो है गाड़ी ले गया मैं पेंटर के पास दरवाज़ों के बगैर ही, और डोर हिंजिस हम दे थे खरादिए को। तो अब वहाँ पे फिर ये मेरा एक दोस्त है, ये मेरे मैकेनिक भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, सारा कुछ हैं। तो अब ये मेरी कल्टस है बहुत प्यारी, कोई भी काम हो तो ये कल्टस हर जगह मौजूद होती है, अब इस गाड़ी की सर्विसेज के लिए मौजूद है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी रोड पे हो या कहीं खड़ी हुई हो तो मैं इसकी शॉट्स ना लूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट और बहुत प्यारी गाड़ी, मैंने बहुत शौक से इसको रखा हुआ है। गाड़ी की लुक्स आप चेक करें कितनी स्लीक लुक है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। तो वो कहते हैं ना कि गाड़ी ऐसी लोग है कहीं पर खड़ी हो तो आप उसको बार बार मुड़ के देखो, तो ये वैसे ही गाड़ी थी। तो अभी ये जब मैं जा रहा था पेंटर के पास, तो ये मेरे इसी फ्रेंड ने जो मेरे इलेक्ट्रिशियन भी हैं उन्होंने मेरे शॉट्स लिए कुछ, तो वो खैर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इस तरह की ही है, तो वो लेकिन फिर भी एक मेमोरी थी इस गाड़ी के साथ। तो मैंने ये सेल कर दी फिर बहुत देर बाद। अभी आपको गाड़ी का फाइनल लुक दिखाता हूँ। अभी देखें गाड़ी का इंजन रूम देखें, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुकी हुई हैं। तो ये भी हम गाड़ी का आपको इंजन दिखा रहे हैं। इसके बाद गाड़ी के लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड में हल्की फुल्की थी टचिंग मचिंग, लेकिन बाकी सारी गाड़ी जेन्युइन थी, लेकिन हमने साफ सूफ करवाई, इंटीरियर चेक करें। प्रॉपर वीडियोस नहीं मैं बना सका, लेकिन इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट जो भी गाड़ी को रिस्टोर करूँगा मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा उसकी। तो गाड़ी का एक्सटीरियर सारा ऐसे जिस तरह मतलब ग्लॉसी शाइन नहीं आ जाती, आप खड़े शीशा होता है जिस तरह आप खड़े हुए हों गाड़ी के पास तो आपको अपना अपना एक्सिस में दिखे। गाड़ी की लाइट्स तो ऑलरेडी बिल्कुल न्यू थी, जेन्युइन थी, लेकिन गाड़ी की बॉडी भी अच्छी होगी, हमने इसके मोनोज भी चेंज किए, जितनी हम इसकी सफाइयाँ कर सके करवाई हमने। अभी गाड़ी की फाइनल लुक थी। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब।